और CAA जो है अलग भेजा जा करते हैं, और कुछ विपक्ष के लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी घर घर जाने वाली है। हम हर जगह जाकर के जिलों में गांवों में लोगों को बताएंगे जाकर के कि नागरिक संशोधन बिल क्या है। उससे किसी का हित होने वाला नहीं है, जो लोगों ने भ्रम फैलाया है जाकर के, और विपक्ष के लोगों का मुद्दा है नहीं जाकर के, अफवाह और भ्रम के आधार पर लोग गुमराह करने का जो काम किया जा रहा है उसका जल्दी भारतीय जनता पार्टी पर्दाफाश करेगी। हम जा रहे हैं लोगों से मिलने के लिए, और कल से हम लोग अभियान शुरू किए हैं, 10 दिन तक चलेगा और हजारों रैलियां होगी और करोड़ों घरों में हम जाएंगे और घर घर जाकर बताएंगे लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता प्रखंडों में पंचायतों में जिला स्तर पर हम कार्यक्रम करके आम जनता आवाम को हम बताएंगे कि इस नागरिक संशोधन बिल जो है वो क्या है और उससे किसी का हित होने वाला नहीं है। देश में जो रह रहे हैं जिनके बारे में कन्फ्यूजन पैदा किया है कि उनको निकाल दिया जाएगा हटा दिया जाएगा, वैसी कोई बात नहीं है। ये जो अफगानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू समाज के लोग जैन सिख समाज के लोग जो रह रहे हैं वर्षों से, उनकी जो प्रताड़ना हो रही है, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उनके लिए सरकार ने एक रास्ता निकाला है भारत में आगे फिर से बस सकते हैं। उनको मान सम्मान पूर्वक तरीके से जीवन जीने के लिए सरकार के स्तर पर हर तरह का मदद दिया जाएगा। उस बिल का मतलब मूलतः विषय यह है जाकर, लेकिन विपक्ष के लोगों ने ऐसा बना दिया है भाई क्या तो भारत में रहने वाले लोगों को बाहर किया जाएगा। तो ये सब बात बेबुनियाद है, मनगढ़ंत बात है, और विपक्ष के और खासकर कांग्रेस के लोगों ने, उनके सहयोगी दलों ने जिस तरह देश के अंदर में हिंसा फैलाने का काम किया है, अशांति फैलाने का काम किया है, वो लोकतंत्र में तो कहीं हिंसा का स्थान नहीं जा करके है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के ये जो भ्रम फैलाने का जो जाल फैलाया जा रहा है उसका हम पर्दाफाश करेंगे, जनता को सही बातों को बताएंगे, और जनता जल्द ही सही बातों को जब जान जाएगी, इसमें खासकर मुसलमान भाइयों पर अपील हम करना चाहेंगे कि कहीं आपके अहित की बात नहीं हो रही। तो भारत में लोग रह रहे हैं, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर रह रहे हैं जाकर, कहीं कोई अंतर नहीं जाकर। दिक्कत उनको हो रही है जो इस्लाम कंट्री है, अफगानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान, जहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है हिंदू भाइयों को शरण देने के लिए, और हिंदू समकक्ष जो जैन सिख हमारे लोग हैं प्रताड़ित किए जा रहे हैं विदेशों में। इन देशों में जो हम लोग को जानकारी मिली है उनको भारत में शरण देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया, स्वागत किया है। विपक्ष के लोग बेवजह हंगामा और हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं।